साथियों, हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है। ये किसानों को काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाली खेती है और इससे गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है। आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। आज आपके प्रयासों से ही सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, चंदौली का ब्लैक राइस हो, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है। विशेष रूप से मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं। इस सुपर फूड को लेकर इन्वेस्टमेंट का भी ये सही समय है। इसके लिए आपको किसानों को उनकी पैदावार में मूल्य वृद्धि कैसे हो, पैकेजिंग कैसे हो दुनिया के बाजार में, मेरे किसान जो पैदा करता है वो कैसे पहुंचे, इसके लिए आगे आना चाहिए। आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। हम किसान उत्पाद संघ एफपीओ और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यू एडिशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए इस अवसर का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी।